स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको रोजाना ऐसे हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अलसी का तेल किस तरीके से आपको फायदे पहुंचा सकता है। दोस्तों ये तेल जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें गंजा होने से भी बचाता है। गंजेपन की समस्या से जूझ रहे लोग यदि इसका नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनका ही लाभ हो सकते हैं। ये मोटे बाल करने के लिए भी फायदेमंद होता है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप गंजे हो रहे हैं या फिर आपके बाल बहुत पतले हैं और यह स्कैल्प पर बहुत कम बाल हैं, इन सभी समस्याओं को आप इस तेल से जड़ से दूर कर सकते हैं यदि आप इस तेल का नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक तड़का पैन ले लीजिए जिसे हल्का गर्म कर लीजिए ताकि इसमें यह पानी हो तो वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑलिव ऑयल लेकर, आप इसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पैन में ऑलिव ऑयल डालकर आपको हल्का गुनगुना कर लेना है। फ्लेम आपको लो ही रखनी है दोस्तों। उसके बाद एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों के पाउडर को ले लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल की मात्रा घटा और बढ़ा भी सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अनुसार। दोस्तों अब हम इसमें पिसे हुए अलसी के बीजों को डाल देंगे। यहाँ पर मैं पिसे हुए अलसी के बीजों का प्रयोग कर रही हूँ, आप चाहें तो साबुत अलसी के बीजों का भी प्रयोग कर सकती हैं, लगभग एक चम्मच। अब हम इसे थोड़ा और गर्म करेंगे, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आप देख सकते हैं इसको, और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब ये अच्छे से गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को ऑफ करके इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब एक बार चेक कर लीजिए ज़्यादा गर्म तो नहीं है। यदि ये सही है, ये नॉर्मल हल्का गुनगुना है, तो आप अपनी उंगलियों के पोरों की मदद से मांग कर करके अपने पूरे स्कैल्प पर इस तेल को लगाइए और मसाज कीजिए। उसके बाद बाल सुलझा कर चोटी बना लीजिए या बांध लीजिए। आप इस तेल को लगभग आध घंटे या एक घंटे तक लगा छोड़ सकते हैं, उसके बाद अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको रात में लगाइए और अगले दिन इसको अपने बालों से हटा दीजिए, अपना हेयर वॉश कर लीजिए अच्छे से, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं इस तेल का, तो ये तेल ना केवल आपके बालों को मजबूती देता है बल्कि उन्हें उलझने से भी बचाता है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान देने की है कि ऑलिव ऑयल को आप ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि जब भी ऑलिव ऑयल को ज़्यादा गर्म किया जाता है वो अपने पोषक तत्वों को खो देता है, और ऑलिव ऑयल जल्दी गर्म होने वाला भी तेल है। यदि पतले बालों की समस्या है तो ये उस समस्या को भी जड़ से दूर करता है या आपके बालों को मोटा और स्वस्थ बनाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस लाती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।